सो हे फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक्सट्रीम 125 सीसी के बारे में, यानी कि भाई हीरो ने अपनी नई नवेली गाड़ी को लॉन्च करा है और 125 सीसी में आपको मिलेगी एक स्पोर्ट्स सेगमेंट टाइप की, यानी कि देखने वाले हल्की फुल्की यहाँ पे मस्कुलरिटी दिया जा रहा है इस बाइक को। तो जिनको चाहिए भाई एक कम सीसी में एक स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक, तो वो इस बाइक को ले सकते हैं। उसके साथ इसके प्राइसिंग भी मैं आपको बताऊँगा और एक बजट फ्रेंडली है कि नहीं आपको पता चल जाएगा आगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं एक्सट्रीम 125R के बारे में। पहले आपको बता दूं कि ये गाड़ी बिलोंग करती है दुआ हीरो मोटर कपड़ा उपला उड़ीसा शोरूम से। अगर आपको हीरो की कोई भी बाइक लेनी हो तो इनका नंबर आपको मिल जाएगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चले भाई ये पहले देख लो गाड़ी, और ये आपको मिलेगी टोटल तीन कलर के साथ। बट ये जो गाड़ी आप देख पा रहे हो ये इसका स्टैलन ब्लैक वाली गाड़ी है, यानी कि पूरी कंप्लीट ब्लैक प्रोफाइल के साथ गाड़ी आपको मिलेगी। सो ये हो गया इसका फ्रंट का प्रोफाइल, आपको मिलेगी थोड़ी सी शार्प शेप में इसका एलईडी का पूरा सेटअप, यानी कि आपको मिलेगी DRL इसके ऊपर एंड इसका जो हेडलाइट आपको मिल जाती है एलईडी के साथ, जो कि लग रही है काफी यहाँ पे एलिगेंट, राइट। तो ये हो गया इसका हेडलाइट का पूरा प्रोफाइल वगैरह, हाई बीम लो बीम सब कुछ आपको मिलेगी एलईडी के साथ। इंडिकेटर यहाँ पे मिल जाते हैं आपको स्लिक स्टाइल में, जो कि दिया गया है एलईडी शेप में। तो यानी कि कंप्लीट आपको मिलेगी एलईडी का सेटअप, इसका फ्रंट जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो। सो ये होगा इसका फ्रंट का टायर का प्रोफाइल, आपको मिलेगी 90-90-17 इंच की ग्रे कलर की अलॉय, और यहाँ पे डुअल जैसे देख पा रहे भाई जैसे इसका पैटर्न रखा गया इसका अलॉय का। एंड फ्रंट में डिस्क मिल जा रही है और डिस्क का जो साइज है वो आपको मिलेगी 240mm की बाइबर के कैलिपर के साथ। ट्यूबलेस टायर आपको यहाँ पे ऑफर करी जाती है, आपको मिलेगी यहाँ पे स्क्वायर शेप में रिफ्लेक्टर। एंड ये होगा इसका फ्रंट मडगार्ड, जो कि आपको मिलेगी ग्लॉसी एंड थोड़ी सी यहाँ पे कट्स आपको यहाँ पे दिखने वाली है। बाकी टेलीस्कोपी फोर के साथ सस्पेंशन मिल जाते हैं 37 डाई के साथ। एंड अभी आती है हमारी साइड प्रोफाइल की, जैसे कि मैंने आपको कहा एक हल्की फुल्की स्पोर्ट्स बाइक की तरह लगती है ये जो 125cc, और उसी हिसाब से यहाँ पे किया गया है रिप्रेजेंट। और ये जो कि आप देख पा रहे हो इसका स्टैलन ब्लैक वाली गाड़ी है, जो कि कंप्लीट आपको मिलेगी ग्लॉसी के साथ, यानी कि डुअल में यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, यानी कि ब्लैक एंड ग्रे का यहाँ पे रखा गया कॉम्बिनेशन, बट इसको रखा गया नाम स्टैलन ब्लैक वाली गाड़ी। एंड ये हो गया इसका एक्सटेंशन का पार्ट, 125R यहाँ पे मेंशन किया गया है, यहाँ पे बॉक्सी शेप में रखा गया, यानी कि इसका जो पार्ट है ना थोड़े से यहाँ पे बाहर निकल के है। एंड ये हो गया इसका टैंक का पार्ट, आपको मिलेगी ग्लॉसी में ब्लैक एंड ग्रे कलर का यहाँ पे कॉम्बिनेशन आपको मिलेगी। एक्सट्रीम यहाँ पे लिखा गया है भाई 3D लोगो के साथ, एंड ग्रे कलर जो पैटर्न है वो इसके ऊपर जैसे लग रहा है चढ़ाया गया है। E20 आपको मिलेगी कॉम्प्लाइंट एंड आपको मिलेगी 10 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस बाइक में। सो ये हो गया इसका मिडिल काउल, जिसमें लिखा गया है स्प्रिंट EBT, जिसका फुल फॉर्म है भाई स्मूथ पावर रेस्पॉन्स एंड इंस्टेंट टॉर्क एंड इंजन बैलेंस टेक्नोलॉजी, जो कि आपको मिलेगी इस बाइक में। एंड हीरो की यहाँ पे स्टिकरिंग मिल जाती है, और ये जो पार्ट आपको मिलेगी ग्रे कलर में, यानी कि ग्लॉसी में रखा गया सेम चीज। देन ये बाइक आपको मिलेगी किक का ऑप्शन के साथ, आपको मिलेगी सेल्फ ऑप्शन के साथ। एंड ये हो गया इसका एग्जॉस्ट का पार्ट विथ मफलर, जो कि थोड़ी सी यहाँ पे शन में रखा गया। एंड ये हो गया इसका एल्यूमिनियम की फुट रेस्ट, यानी कि पिलिंग फुट रेस्ट, और ये हो गया इसका राइडिंग फुट पैक, कैटालिटिक कन्वर्टर, और ये हो गया इसका ब्रेक पैडल। अगर इंजन की बात करें तो इस बाइक में आपको मिल जाती है 124.7 cc की एयर कूल इंजन, जो कि पावर डिलीवर करेगी 11.4 bhp की एंड 10.5 nm का आपको मिलेगी इसमें टॉर्क। 0-60 km/h की स्पीड पकड़ लेते हैं सिर्फ और सिर्फ 5.9 सेकेंड में। माइलेज की बात करें तो आप मान के चलो 60-65 के अंदर आपको मिलने वाली इस बाइक से जो है इसका जो माइलेज फिगर है। एंड आपको मिलेगी यहाँ पे सिंगल हॉर्न इस बाइक में। एंड अभी आते हैं इसके रियर प्रोफाइल की ओर, यानी कि इसके टेल लाइट की ओर, आपको मिलेगी यहाँ पे शार्प LED की टेल लाइट, जो कि थोड़ी सी यहाँ पे अंदर की तरफ आपको मिल जाती है और देखने में काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है कि नहीं। थोड़ी सी अगर देखेंगे गौर से तो आपको मिलेगी यहाँ पे एच शेप की LED की टेल लाइट, ब्लिंकर्स दी जा रही है यहाँ पे स्लिम ट्रिम के साथ। एंड ये हो गया इसका नंबर प्लेट की लाइट, यानी कि आपको मिलेगी यहाँ पे व्हाइट लाइट, दिस वन इज द रिफ्लेक्टर। एंड आपको मिलेगी टायर हगर के साथ ये बाइक जो है। एंड ये हो गया इसका रियर टायर, आपको मिलेगी बेस्ट सेगमेंट वाली यहाँ पे रियर टायर का प्रोफाइल, 120, 80 and 17 inch की रियर व्हील रखा गया है, और पीछे आपको मिलेगी ड्रम ब्रेक का फीचर, राइट। देन मोनोशॉक के सस्पेंशन आपको मिल जाती है यहाँ पे सोवा की दी जा रही है 7-step एडजस्टेबल के साथ इस बाइक में, जो कि काफ़ी जो है कम्फर्ट राइड आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने वाली है। देन ये हो गया इसका पिलन फुट पैक, राइडर फुट पैक, साइड स्टैंड, सेंटर स्टैंड, आपको मिलेगी यहाँ पे 5 gear, ये हो गया इसका गियर पैडल। आपको यहाँ पे दी जा रही है स्प्लिट टाइप की सीट, यानी कि एक स्पोर्ट्स टाइप की बाइक है तो उसी हिसाब से यहाँ पे सीट रखा गया है। और सेडल जो हाइट है आपको मिलेगी 794mm का। एंड ये इसका स्प्लिटर वाले ग्रैब रेल, जो कि रखा गया ग्लॉसी के पार्ट में। तो अभी बारी आते हैं भाई इसके क्लस्टर की, तो पहले आपको इसका की दिखा दूँ। तो ये इसका की जैसे देख पा रहे हो, एंड ये इसका क्लस्टर का एरिया आपको मिलेगी यहाँ पे फुल्ली डिजिटली क्लस्टर, जहाँ पे ऑडोमीटर, स्पीडोमीटर, टैकोमीटर
एंड सैशन इंडिकेटर यहाँ पे सब कुछ शो कर रही है। विद अकुमुलेट यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का भी फीचर, यानी कि अकुमुलेट कनेक्टिंग फीचर इसी गाड़ी में। ट्रिप ए ट्रिप बी सेटिंग वगैरह आपको मिल जाते हैं, दो बटन सेटिंग का एंड मोड, दो बटन दी जा रही है। तो देखिए ट्रिप ए हो गया, ट्रिप बी आपको यहाँ पे शो करेगी, टाइम शो करने वाली है, गियर सिलेंडर यहाँ पे शो करेगी। तो काफ़ी कुछ आपको मिलेगा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन इस बाइक के क्लस्टर के एरिया में। देन अगर स्विचेस की बात करें तो ये हो गया इसका पास लाइट का स्विच, हाई बीम लो बीम इंडिकेटर एंड ये हो गया इसका हॉर्न का स्विच। इस साइड में आपको मिल जाती है आई3 का जो बटन, इंजन किल स्विच एंड सेल्फ का स्विच आपको मिल जाती है। हैंडल आपको थोड़ी सी यहाँ पे अपराइट टाइप की यहाँ पे दी जा रही है और इसका जो मिरर का पार्ट आपको मिलेगा सिंपल स्टाइल में, ज़्यादा ब्रॉड नहीं है। सो दोस्तों अभी सुनते हैं इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट। सो हो चुकी सारी बातें इस बाइक के बारे में, यानी कि इसका जो बेस्ट वेरिएंट आईबीएस के बारे में। और अभी आपको बता दूं प्राइसिंग कितना क्या है इस बाइक का। तो इस बाइक का जो एक्सोन जो प्राइस आ जाती है भाई 95,000 की, टॉप एंड लेंगे तो आपको आएगी 99,000 की। तो यहाँ पे 4,000 का जो है डिफरेंस आपको देखने को मिलेगी दोनों वेरियंट के बीच में। तो 95 में आपको मिलेगी ये सारी फीचर्स वगैरह, यानी कि एक स्पोर्ट्स टाइप की दिखने वाली 125 सीसी वाली बाइक, जिसमें आपको मिलेगी आईबीएस का फीचर एंड आपको मिलेगी सिंगल डिस्क के साथ ये बाइक। और स्पेशली मुझे काफ़ी बेहतर लगी इसका जो हेडलाइट का प्रोफाइल एंड इसका जो टेल लाइट का प्रोफाइल। बाकी भाई ये गाड़ी में जितना फीचर दी जा रही है प्राइसिंग हिसाब से जस्टिफाइड लगा, एंड आपको क्या बोलना है इसके बारे में कमेंट बता सकते हो। एंड ये वीडियो एंड ये बाइक आपको कैसे क्या लगा इसके बारे में भाई अपना ओपिनियन देना ना भूलें। तो ये था आज का वीडियो दिस 125 सीसी हीरो की एक्सट्रीम 125R के बारे में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं, धन्यवाद।